बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में हुआ एक बड़ा ट्रेन हादसा, जिसमें 8 लोगों की मौत और 25 लोग घायल बताए जा रहे हैं। आखिरकार इस ट्रेन हादसे में जिम्मेदार कौन है, इस पर राजनीति भी लगातार गर्म हो गई है। आपको बता दें, हर कोई अपना बयान दे रहा है, ट्विटर पर ट्वीट कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं इन खबर। आपको बता दें, आज सुबह 8:55 पर एक रेल हादसा होता है बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में, जहां पर एक कंचनजंगा एक्सप्रेस खड़ी होती है और पीछे से मालगाड़ी टक्कर मार देती है, जिसमें 8 लोगों की मौत और 25 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ऐसे में अब सवाल कई खड़े हो रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें, लालू प्रसाद यादव का भी ट्वीट आया है कि आखिरकार इन रेल हादसों का जिम्मेदार कौन है, और हर कोई वो वजह ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि आखिरकार ये रेल हादसे क्यों हो रहे हैं। ऐसे में इस रेल हादसे का जिम्मेदार कौन है, वजह बड़ी लापरवाही। जी हाँ, एक बड़ा खुलासा इस रेल हादसे पर हुआ है। आपको बता दें कि मालगाड़ी और जो एक्सप्रेस खड़ी थी, एक्सप्रेस खड़ी हुई एक्सप्रेस पे मालगाड़ी की टक्कर मारना एक साफ तौर पर बता रहे हैं लापरवाही है, जिसमें कहा जा रहा है कि सिग्नल को इग्नोर किया गया। जी हाँ, जो लापरवाही वजह सामने आ रही है वो यही आ रही है कि सिग्नल को इग्नोर किया गया है और अन्य वजह ढूंढने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल अभी ये बड़ा खुलासा हो रहा है कि सिग्नल को मालगाड़ी ड्राइवर ने, लोको पायलट ने इग्नोर किया। बताया जा रहा है जिस तरीके से ये एक लापरवाही की वजह से 8 लोगों की जान चली गई और 25 लोग घायल है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सुबह 8:55 पर ये एक्सीडेंट हुआ है, जिसके बाद से तमाम अपडेट्स जुटाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में इसको लेकर अश्विनी वैष्णव का भी बयान सामने आया है। ऐसे में आपको बता दें कि जो एक्सप्रेस का, जो कंचनजंगा एक्सप्रेस रही है, उसका जो ड्राइवर रहा है उसकी मौत हो गई। इसके साथ साथ मालगाड़ी का जो गार्ड रहा है उसकी मौत हो गई, इसकी जानकारी सामने आ रही है। भारी नुकसान हुआ है, परिवारजन काफी परेशान है, आमजन बहुत परेशान है। सवाल खड़ा हो रहा है बार बार, जिस तरीके से बैक टू बैक रेल हादसे हो रहे हैं, एक के बाद एक रेल हादसा होना, ऐसे में सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि जो आमजन है उसके जहन में एक डर बैठ गया है, क्या ट्रेन में, रेल में सफर करना क्या सही है, सही रहेगा, क्या ये सेफ है। ये साफ तौर पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या ट्रेन में सफर करना सेफ है, नहीं है। ऐसे में जिस तरीके की लापरवाही का एक खुलासा इस बड़े ट्रेन हादसे में हुआ है, जो कहा जा रहा है कि नजरअंदाज सिग्नल को कर दिया गया, तो ये सबसे बड़ी बात है। ऐसे में जिस तरीके से बोर्ड की तरफ से ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट सामने आया कि जो वजह ढूंढने की कोशिश की गई कि आखिरकार वजह क्या है, तो वजह यही है कि सिग्नल को इग्नोर किया गया, जिसकी वजह से 8 लोग मौत के घाट उतर गए, इसके साथ साथ 25 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अभी भी एग्जैक्ट आंकड़ा सामने नहीं आया है। ऐसे में इससे जुड़ी तमाम अपडेट कि आखिरकार ये जो रेल हादसे हो रहे हैं, इनकी वजह क्या लापरवाही है या वजह कुछ और है। दूसरा सबसे बड़ा जो सवाल खड़ा होता है, जो आम जन के जहन में है, क्या रेल में सफर करना, ट्रेन में सफर करना क्या सुरक्षित है। इन तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इन खबर। धन्यवाद।